हेलो एवरीवन, हाय। स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विथ फिंग में। एक बार आप लोगों को कमेंट में बताना पड़ेगा। Am I audible or not? और स्क्रीन आपको प्रॉपरली व्यू हो रहा है कि नहीं? दो मिनट लाइट जुड़ जाइए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। हेलो, आप लोग प्लीज एक बार अपना ऑडियो और वीडियो जो है चेक करके बता दीजिए कि आपको स्क्रीन दिख रहा है और मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है कि नहीं। आज से हम लोग हमारा क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए आप लोग कब से वेट कर रहे थे और मुझे काफी इंसिस्ट कर रहे थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे और हमारा जो फर्स्ट क्लास रहेगा, एक मिनट में टेलीग्राम पर मैसेज डाल देती हूँ एक बार, ताकि सबको पता चल जाएगा। ओके, आज जो है हम लोग, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले हम टॉपिक डिस्कशन का एक वीडियो आपके लिए दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, आवाज ही नहीं निकल रही थी और आज भी ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग को प्रॉमिस किया था इसलिए आज स्टार्ट किया है। तो इसलिए आज हम स्टार्ट ही लाइव में ही सिलेबस एनालाइज डिस्कशन कर लेते हैं, पहले पूरा समझ लेंगे। और देखिए, ये जो स्टार्ट करने वाली हूँ आज, ये कोई छोटी सी एग्जाम का सिलेबस नहीं है, इसलिए अपने आपको दिमाग में बिठा लीजिए कि ये सिलेबस काफी वास्ट है, जिससे कि आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं और ये सब एवरीथिंग। तो सबसे पहले जब तक वो चीज क्लियर नहीं होगी, तब तक हमारी आगे की गाड़ी बढ़ ही नहीं पाएगी। हम इसी टेंशन में रहेंगे कि ये कैसे, मतलब ये क्या हो रहा है ना, कि हम कैसे इस चीज को करेंगे, ठीक है? तो हमको बस वही है, हमें अपना सिलेबस फियर दूर करना है ओवरऑल, और कुछ नहीं है, सिलेबस को कैसे आपको एक छोटे फॉर्म में करना है वो आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम लोग इनको एक छोटे फॉर्म में, जैसे कि देखो अभी जो इसी वीडियो के लिंक में आपको वो वीडियो मिल जाएगा जो हमने सबसे वेरी फर्स्ट में दिया था कि आपको आपके सिलेबस को एनालाइज कैसे करना है। आप चाहो तो एक बार वो भी देख लेना, लेकिन अब यहाँ लाइव ही हो रहा है और थोड़ा सा बड़ा ही जाएगा क्लास, तो अपन इसमें देख लेते हैं कि हमें अपने सिलेबस को, देखिए यही सिलेबस रहते हैं आप लोगों के पास, एक मिनट, ये हिंदी वाला है, ठीक है? इसका मैं अभी आज फिर टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वैसे टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप प्लीज ज्वाइन हो जाओ अगर कोई नए हो तो उसमें आप बिल्कुल रेडी रहना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना? उसमें ही आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। तो ये सिलेबस आपको मैं शेयर कर दूंगी, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, ठीक है? तो ओवरऑल जो है ये सिलेबस आपके हैं, दिख रहे हैं आपको, ठीक? अब इन सिलेबस का सबसे पहली क्वेश्चन तो लोग ये करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्टिव्स, ये इलेक्टिव क्यों लिखा रहता है, ये इधर देखिए, थोड़ा सा मैंने काम किया था इस पे तो कोई बात नहीं, इलेक्टिव क्यों लिखा हुआ है? तो उसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, ओवरऑल आपको जो सिलेबस देखना है ये देखिए, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा इंग्लिश में दिखा दूं, बिकॉज देयर आर सो मेनी जो हिंदी को पहचान पकड़ ही नहीं पाते, क्योंकि हम ऑल ओवर इंडिया के लोग जुड़े रहते हैं तो वो हिंदी को नहीं पहचान पा रहे हैं, अदर रीजनल लैंग्वेज के रहते हैं तो इतना तो हिंदी वाले लोग इंग्लिश को जान लेते हैं, इसलिए मैं अभी इंग्लिश में ले रही हूँ। अगर गलत लगा हो तो आप बता सकते हो कमेंट में, लेकिन अभी इंग्लिश में लेना मुझे ज्यादा ठीक लग रहा है ना, मैं हिंदी में ही बताऊंगी लेकिन फिर भी। तो ये जो आपको दिख रहा है ओवरऑल आपका सिलेबस ओनली ये है, 1 से लेके 10 तक की यूनिट, ठीक है? इसी का एक एलेबरेट फॉर्म, मतलब बोलेंगे इसी को विस्तार फॉर्म में आगे दिया है इलेक्टिव में, ठीक? पहले ऐसा होता था, सबसे पहला डाउट आपका यही कि आपको ऐसा लगा कि हम जो है, एक मिनट, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद, वेट मेरी पेंसिल कनेक्ट कर लू,
कि आज का जब एग्जाम फॉर्म भरने जाओगे आप, तो क्या होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि आप आर्ट हिस्ट्री वाले हो, आप विजुअल, आप वो क्या बोलते हैं, आप पेंटिंग वाले हो, या आप व्हाट एवर प्रिंट वाले हो, प्रिंट मेकिंग अप्लाइड वाले हो। तो ऐसी ये गलत फहमी आप बिल्कुल हटा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। अभी हम सब विजुअल आर्ट्स वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, हमको ओवरऑल सब कुछ पढ़ना है। तो उसी लिए ये चीज जो बिल्कुल हटा दो कि आर्ट हिस्ट्री है तो हम आर्ट हिस्ट्री का ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये तो मैंने आपको डरा दिया और आप डर भी गए, लेकिन अब इसमें डरने की बात नहीं है, जरा सी भी डरने की बात ये नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आर्ट हिस्ट्री का जो इतना बड़ा टॉपिक है ये फिर हमको इतना कुछ पढ़ना है, नहीं। ये सब मिला के एक बहुत छोटी सी चीज आपके लिए बन जाती है, एक बहुत छोटी सी यूनिट आपके लिए बन जाती है, और बस आपको वही करना है, ठीक। तो सबसे पहले जो है हम लोग, देखो जो आप लोग नए हो आप प्लीज टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आपको फर्दर अपडेट्स मिल सके। जैसे कि अभी भी आप लोग बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं पड़ रहा कैसे क्या क्लास हो रहा है, जो भी, तो आप ये चीज थोड़ा सा देख लो। अब हम आगे देखते हैं कि हमने करना क्या है। देखो सबसे पहले मुख्यतः अगर आप देखोगे, ठीक है, मुख्यतः अगर आप देखोगे तो आपकी जो सिलेबस है, आपका जो एग्जाम की चीज है, वो सिर्फ इतनी है, ठीक है। इतनी है मतलब ये बस ये मेन टॉपिक्स हैं, और इसी को इन लोगों ने इतना बड़ा रखा है। पढ़ना आपको यही है, आप ये पढ़ लोगे सब चीजें कवर हो जाएगी, ठीक है। उसमें से अपन 2 मिनट देख लेते हैं, फंडामेंटल, मूल तत्व। बीए वाले लोग बीए में पढ़ते हैं और बीएफए वाले लोग बीएफए में पढ़ते हैं, सबको पता है, पढ़े हैं हम लोगों ने, ठीक। फिर कला का इतिहास, जिसके अंदर आपका इंडियन हिस्ट्री आ जाता है, आपका वेस्टर्न हिस्ट्री आ जाता है, ठीक है। उसको आपको कैसे पूरा पढ़ना है, अब आप बोलोगे आर्ट हिस्ट्री में आएगा कि पेंटिंग में आएगा, ये सब चीजें कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको आपके टॉपिक्स पे ध्यान देना है। मत सोचो आर्ट हिस्ट्री क्या है, ड्रॉइंग एंड पेंटिंग क्या है, ये सब चीजें हटा दो, हम सिर्फ विजुअल आर्ट्स वाले। फिर आते हैं कला समीक्षा, जिसको आप कहते हैं आर्ट एस्थेटिक्स, ठीक है। मुझे मैसेज दिख रहा है कि आवाज नहीं आ रही है, तो आप लोग जो बाकी लोग जुड़े हैं प्लीज कंफर्म कीजिए आप, मैं ऑडिबल हूं आपको। आयुषी जी बोल रही हैं आई कांट लिसन यू, जल्दी बताइए, थोड़ा सा बीच में अटक जाता है। क्लियर है, ओके, मैं प्रोसीड कर रही हूँ। आयुषी जी आप चेक कीजिए, आपकी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। अब आगे ग्राफिक्स, ग्राफिक्स सभी ने पढ़ना है, और ग्राफिक्स आपके नाम पे बहुत छोटी चीज है, वो मैं अभी आगे बताऊंगी कि आपको उसमें करना क्या है, ठीक है। फिर विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, है ना, ठीक है, ऑडिबल है, ओके, ठीक है, सबके लिए ऑडिबल है। फिर हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट, फोटोग्राफी, है ना। अब ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। आपको याद होगा जब हमने 2022 की क्लास ली थी, उसमें सिर्फ 4 क्लास में एडवर्टाइजमेंट खत्म हो गया था, और उसके बाहर कुछ आता भी नहीं था, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत छोटी हो जाती है। मेन जो चीज आपको फोकस करना है वो इन पे है, ठीक है, इन चीज पे है, ये दिख रहा है आपको, ये ऊपर, ये इनको पक्का कर लोगे तो कोई भी एग्जाम हो सब एक सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता रही थी। अब है ये जो आपके सिलेबस दिख रहे हैं आपको, ये सिलेबस है, मैं इसको पूरा नहीं बता के, मैं आपको इसी सिलेबस को, ये मेरा खुद की चीज है, मैंने इसको ऐसे पॉइंट्स में बना रखा है अपना, ठीक है। आप लोगों ने भी यही करना है, वही आपका जो सिलेबस, जिसको आप क्या बोलते हो कि ये आर्ट हिस्ट्री में इतना सारा दिया हुआ है, ड्राइंग पेंटिंग में इतना सारा दिया हुआ है, इसी को मैंने पॉइंट्स में बनाया है, और कुछ नहीं है, ये बताने के लिए कि ये पॉइंट जो है कितना रिपीट हो रहा है ना, कितना रिपीट हो रहा है, ये कुछ भी नहीं है, बार बार चीजें रिपीट हो रही है, और आप लोग को लग रहा है कि हमें इतने टॉपिक्स पढ़ने, जबकि इतना नहीं है, ठीक। तो शुरुआत अपन सबसे पहले जो ऊपर उधर भी लिखी रहती है वो होती है इंग्लिश में, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हिंदी सब लोग उसको समझ पाएंगे, ठीक है। मैं बात हिंदी बोल तो हिंदी में ही रही हूँ, तो लिखा हुआ इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक। तो फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट्स, फंडामेंटल आप सब जानते हो, कला के मूलाधार, बीए में भी पढ़ते हो, बीएफए में भी पढ़ते हो। अब उसमें ये चीजें ऐसी होती है, रेखा, रूप, मतलब आकार, रूप, अंतराल, कलर, ये है ना आपको दिख रहा है सर, इन सबको आपको क्या है, ये आपके कला के मूलाधार फंडामेंटल का पहला चैप्टर है, और आप लोगों को ये चीज करनी है,
और ऐसी करनी है कि भाई कोई कुछ भी हो जाए इसके मार्क्स जा ही नहीं सके। दीज आर द स्कोरिंग टॉपिक। कुछ भी हो जाए इसके मार्क्स हमको नहीं गवाने हैं, कोई भी परीक्षा हो। क्या होगा यार इसमें से, और कितनी संभावना होगी इसकी क्वेश्चन बनने की? इससे ज्यादा तो नहीं होगी ना, हो ही नहीं सकती ऐसा, है ना? कहाँ से ले आएंगे ये लोग क्वेश्चन? वही लाएंगे जितना कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा तैयारी कर लेनी है, ठीक है? इससे पहले है ना, इसमें तो सबसे पहले इसके साथ ही, अभी क्योंकि लाइव चल रहा है तो कमेंट पे बता दो मुझे कि फॉर्म रूप के कितने प्रकार होते हैं, आंसर लिख देना, मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक, रूप के कितने प्रकार होते हैं क्वेश्चन है, जनरल, बहुत जनरल क्वेश्चन अभी देने वाली हूँ बीच बीच में, ताकि हमको पता चले कि हम क्या अभी है स्टेज पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कलर हो गया, टेक्सचर हो गया, ये हो गया। अब ये जो आपको दिख रहा है इतना बड़ा सा, अंडरस्टैंडिंग विजुअल प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन, अरे भाई कुछ भी नहीं है, संयोजन के सिद्धांत है सीधे सीधे, संतुलन, सामंजस्य, समझते हो, यही सब है। लेकिन इनको भी ऐसे घोट लेना है कि इधर से मार्क्स जा ही नहीं सके। और फंडामेंटल्स में क्या होता है, लोगों के इसी में मार्क्स जाते हैं, इसमें तो फिर भी कर लेते हैं, इसमें मार्क्स जाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि इसमें आपको प्रॉब्लम क्या होती है? आपको मैंने ये वीडियो से समझाए हैं ये दो टॉपिक्स, हमको इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? हमको ओवरऑल इसको रटना नहीं है कि प्रमाण जो उसके नाप तोल को प्रोपोर्शन कहते, हमको इन चीजों को समझना है। इनको इतनी अच्छे तरीके से समझ के बेसिक नॉलेज में, मतलब बेसिक लैंग्वेज, आम भाषा में इतने बेहतर तरीके से समझ लीजिए कि कोई आपके मार्क्स काट ही नहीं सके। क्यों काटेगा यार, अगर समझ में आता है तो आंसर सही लिखेंगे हम। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि किसकी मदद से 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल चेंज कर देते हैं, तो अरे आपको सीधे इस चीज को समझना चाहिए कि टोन जो हम, जैसे हम सीधे एक ड्राइंग बनाते हैं, प्रैक्टिकल वे में समझो कि हम एक सीधे अगर ड्राइंग बनाएंगे, एक कोई भी फिगर बनाएंगे, अगर एक कोई स्टिल लाइफ बनाओगे तो ड्राइंग बनाएंगे, तो वो सिर्फ एक फॉर्म रूप जैसा दिखेगी, एक ड्राइंग दिखेगी। लेकिन जब हमको वो कब 3D दिखने लगेगी, जब हम उसमें टोन अप्लाई करेंगे, ये हम स्टार्टिंग से करते हैं। एक BFA से पहले वाला 9th 10th क्लास का बच्चा हो तो वो भी करता है, जिसको वो शेडिंग बोलता है। तो ये एक बहुत बेसिक है, उसमें भी लोग गलत कर देते हैं। तो क्यों गलत कर देते हैं यार ये चीज? तो आपको फंडामेंटल सिर्फ बहुत आसान वे में समझना है, बिल्कुल लाइट लेके समझना है, कॉन्सेप्ट को बेस बना के समझना है, ना कि रटना है। रटोगे कि रूप कितने प्रकार के होते हैं तो वो रटने हो जाएगा। बिल्कुल सही, रूप 2 प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल। अगर किसी चीज को बीच में डिवाइजन में एक दूसरे पे इक्वल आएगा तो ये सिमेट्रिकल होता है, लेकिन अगर बीच में लाइन लगाएंगे और दोनों अनइक्वल होगी तो ये एसिमेट्रिकल होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी उसमें अपन आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्चुअल एंड परसेप्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट। मतलब यही जो ये चीजें, जो फोरसाइटनिंग है, परस्पेक्टिव है, ये सब चीजें जो आर्ट में कॉन्सेप्चुअल होती है, आता जो आपके आर्ट फंडामेंटल्स के ही टर्म में है। आगे बढ़ते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट क्या है ये पूछा है। ठीक है, पता है ये नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे हमको सिर्फ बेसिक नॉलेज चाहिए कि इसको क्या कहते हैं, है ना, और क्या क्या उसमें चीजें रहती है, ये बहुत अच्छे तरीके से हमको समझ में आता है, लेकिन बस हम कंफ्यूज रहते हैं। आगे देखो, ट्रेडिशन मीडियम मटेरियल टेक्निक्स। ठीक है, ये आप अपने रोजमर्रा के जीवन में, अगर आप आर्ट स्टूडेंट हो तो रोजमर्रा के जीवन में आप इसको यूज करते हैं, लेकिन आप फिर भी चीजों से दूर हटते जाते हैं। कैसे? देखो, 2 कलर को हैंडलिंग कैसे इसमें करना है, ये इम्पेस्टो, ये ग्लेजिंग, क्या है ये चीजें, समझो बात को। क्या आता है इसमें, इसमें मतलब ये है क्या? सिर्फ इम्पेस्टो में कितना पढ़ोगे? एक्रेलिक कलर से यूज कर सकते हैं, ऑयल कलर से यूज कर सकते हैं, मोटी मोटी पर्दे लगा के यूज करते हैं, और क्या क्वेश्चन बन सकता है इम्पेस्टो में? एक प्रैक्टिकल टेक्निक है, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन बनेगा? नहीं बनेगा। तो फिर ऐसे टॉपिकों को क्यों छोड़ना, और ऐसे टॉपिक से क्यों ऐसा करना कि भाई हम इसको स्कोर नहीं करें? इससे तो ये सब स्कोरिंग टॉपिक है, तो इसको तो बिल्कुल चूस लेना है। ग्लेजिंग कहीं भी आए हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमारा सही है। ऑयल कलर्स में होता है ग्लेजिंग, ऑयल कलर के ऊपर यूज होता है, हमारा तो सही है। तो ये वाली चीजों को आपको बहुत, मतलब इसमें से आप, मैं नहीं समझती हूँ कि आप लोग के कोई भी मार्क्स जाने चाहिए। आपको कोई डाउट हो आप हमेशा बिल्कुल कभी भी पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, इंटेग्रियो रिलीफ प्रिंट। ठीक है, अब बात है ये इंटेग्रियो क्या होता है, रिलीफ क्या होता है, समझा रखा है। जो ऊपरी सतह पे होता है वो रिलीफ होता है, जो अंतर सतह पे होता है वो इंटेग्री होता है। ठीक है, इसको आप अभी आगे 10 बार आओगे, 10 बार आ जाएगा रिलीफ भी और इंटेग्री भी। जितने भी लोग अभी वीडियो पे लाइव हैं, प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ये आगे लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ नहीं है इसमें,
म्यूरल के ग्राउंड कैसे बनाते, ये देखो फ्रेस्को। मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन बता दो फ्रेस्को के टाइप कितने होते हैं, फ्रेस्को कितने प्रकार के होते हैं और कौन से होते हैं। एक्टिविटी आपकी मुझे चेक करनी, मैंने आपको बोला था कि क्लास जैसे ही स्टार्ट होगी मुझे आपकी एक्टिविटी चेक करूंगी और फिर ही आगे का डिसीजन ले पाऊंगी। तो आपकी एक्टिविटी शो होनी चाहिए और वो शो मुझे कमेंट सेक्शन से ही हो पाएगी। फ्रेस्को के टाइप बता देना, मैं बाद में देखती हूँ। आगे देखते हैं म्यूरल के ग्राउंड कैसे प्रिपेयर होते हैं। पता है फ्रेस्को टेम्परा से यूज होके, ठीक है। वसली क्या होता है, अब इससे ज्यादा इन चीजों में ब्यूनो और सेको। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके। हाँ ठीक है, फ्रेस्को दो प्रकार के होते हैं। अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आज फर्स्ट है तो अच्छी बात है। फ्रेस्को दो प्रकार के होते हैं, फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को ब्यूनो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वसली क्या होता है, वसली। अब वसली का यही पूछा जाता है कि भाई वसली किस में यूज आता है, ले देखिए यही क्वेश्चन आते हैं वसली। तो अब इससे ज्यादा इसमें कुछ संभावना है क्या, नहीं है, है ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना। ये इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन क्या होता है, विभिन्न मीडियम को यूज करके जब आप कुछ अपना क्रिएट करते हैं तो वो इंस्टॉलेशन होता है। बस इससे ज्यादा और कुछ देखो, प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स इन कॉन्टेम्प, क्या प्रोसेस यूज होता है, क्या प्रोसीजर यूज होता है इन कॉन्टेम्प्रेरी मतलब समकालीन आर्ट प्रैक्टिस पे। तो इंस्टॉलेशन बस इसमें क्या है आपको ज्यादा से ज्यादा, हाँ बिल्कुल, क्या लिखा है, संस्थापन, संस्थापन स्थापत, हाँ संस्थापन कलर, ठीक। तो इंस्टॉलेशन जो है वो क्या होगा, उसका नॉलेज होना चाहिए, ये वर्ड है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। आगे बढ़ो, मल्टी कलर प्रिंट मतलब जो एक कलर में मोनो कलर प्रिंट होता है, एक कलर से होती है, ब्लैक एंड व्हाइट से होती है, और मल्टी कलर प्रिंट होती है, इसमें जैसा प्रोसेस होता है। तो अब अभी आप ये यहाँ भी पढ़ोगे, ये आप अभी डिजाइन में भी पढ़ोगे, ये आप प्रिंटिंग में भी पढ़ोगे, मतलब चीजें कितनी, देखो आगे यही यही आएगा। लेकिन आपको मैं ऐड कर रही हूँ, देखो यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, क्वेश्चन भी आता है कैड का फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन CTP, ये इसका जो यूज वेक्टर रेस्टर क्या होता है, ये वाली चीजें इसमें आती है। मल्टीमीडिया डिजिटल टेक्नोलॉजी इन आर्ट, अब इसमें कितना पढ़ोगे यार, है ना। ये आप जी मल्टीमीडिया में रहे हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी में ही जी रहे हो, तो हमको नॉलेज है इसका, है ना। तो इसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपडेटेड रहना है, आपको अपनी लाइफ में अपडेटेड रहना है। यूं नहीं कि आज का जमाना ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर लैपटॉप और सब सोशल मीडिया सब बंद करके बैठ जाओ और आपकी पढ़ाई हो जाएगी और आप क्लियर हो जाओगे, ये पहले के जमाने में होता था। अभी आपको स्मार्ट स्टडी की जरूरत है, तो ये यही चीज है, ठीक है। तो मीडिया टेक्नोलॉजी जो आती है, अब ट्रॉम्प लॉय इल्यूजरी हैपलिज्म, अब बोलोगे बाप रे क्या है, तब भारी चीज है ना, दिमाग खराब हो जाता है। अब एक ही चीज आपको, तो मुझे बस इतना बताओ कमेंट सेक्शन में, अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगी कि इसका, ये मैंने बताया है, ये मैंने आपको बताया है, मैंने आपको जब वेस्टर्न आर्ट पढ़ाया था तब ये चीज बताई थी, एक हिंट दे रही हूं, ये कौन से आर्ट पीरियड में इस चीज का यूज होता है, इट इज अ टाइप ऑफ टेक्निक मान लो, है ना, ये कौन से आर्ट पीरियड में, कौन से आर्ट मूवमेंट में ये चीज यूज होती है, बता देना आगे। चलो आगे देखते हैं। अब देखो स्टडी ऑफ क्रोनोलॉजिकल पीरियड आर्टिस्ट ऑफ वेस्ट, मतलब जो वेस्टर्न आर्ट अपन पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक। कुछ भी नहीं है, 20वीं 21वीं शताब्दी में आर्ट मूवमेंट जो होते हैं, मिनिमलिज्म है, कंसेप्चुलाइजेशन है, ये सारी चीजें, ये सब वही है, ठीक। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, डिजाइनिंग एंड विजुअल कम्युनिकेशन, ये अब क्या चीजें हैं आप लोग देखो, इसको अपन डिटेल में अभी आगे देख रहे हैं, ये वही चीज है जो ऊपर भी लिखी हुई। तो बात है कि चीजें रिपीटेड लिखी हुई है, रिपीटेड क्यों लिखी हुई है, क्योंकि उन्होंने सेक्शन में डिवाइड किया, हमने थोड़े सेक्शन में डिवाइड करना है। हमने अगर ये पढ़ लिया फ्रॉम प्री हिस्टोरिक से 19th सेंचुरी, तो हमारे लिए ये टॉपिक तो वापस रिपीट हो रहा है ना, ठीक है। तो ये इसी तरह से हो जाएगा, आगे देखते हैं। अब एक चीज देखूं, स्टडी ऑफ आर्ट ईस्ट साउथ ईस्ट सेंट्रल एशिया और एंशियंट नियर ईस्ट, ठीक है। तो अब ईस्ट में तो हम ही आते हैं, ठीक है, पूर्व की कला है ना, आप साफ दिख रहा है, तो वो हम पढ़ते हैं, उसमें हम इंडिया पढ़ लेते हैं, चाइना भी आता है, पर उसको हम बहुत कम पढ़ते हैं। क्यों कम पढ़ते हैं, क्योंकि यार इतना तो मैं बता रही हूँ कि इतना एक्सपीरियंस है, अभी हमको एग्जाम क्लियर करना ज्यादा जरूरी है, ना कि मतलब कि हम एक्स्ट्रा ज्ञान लें, साफ बात है। और भले बुरा लगे तो लगे, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब जो चीज आई नहीं रही ज्यादा, चाइना को ज्यादा पूछ ही नहीं रही, वो साउथ ईस्ट है ना, सेंट्रल एशिया, ये ज्यादा पूछ ही नहीं रहे, वो तो हम क्यों पढ़ेंगे, ठीक।
उस चीज को थोड़ा सा लीव करना है। सीधी बात, जो जो जिसमें पूरा जोर लगा देना है उन्होंने अलग बता दिया, लेकिन जहां को हम थोड़ा सा लाइट ले सकते हैं उसको हम लाइट ले रहे हैं। अब ये देखो ये क्या है, और बाप रे कितना भारी टॉपिक लिखा हुआ है, विजुअल प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिटी। है क्या? कुछ नहीं है, फोक आर्ट है, लोक कला जिसको बोलते हो। आगे भी पढ़ोगे, और कितना पढ़ते हो, कितना सुनते हो, कितना पढ़ रहे हो, देख रहे हो, लेकिन फिर भी बस घबरा जाना। ट्राइबल आर्ट वही तो है, और क्या है। ठीक है, तो ये बस यही है, आगे देख लेते हैं। 1 मिनट यार, खांसी हो रही है। ओके, अब आते हैं। अब ये अपना देख लो, वो वाली चीज खत्म हो गई है ना, फंडामेंटल्स वाली। यहाँ चालू हो रही है कला इतिहास, कला का इतिहास। तो जब जो आर्ट हिस्ट्री वाले बच्चे होंगे वो जानते हैं कि कला इतिहास जो है वो शुरुआत ही कहाँ से होती है, यही चीज से होती है। कैसे कहाँ से स्टार्ट होती है, देखो फॉर्मलिज्म क्या है, आइकोनोलॉजी क्या है, सेमियोटिक एनालिसिस क्या है। अब आप लोगों को ये चीज बहुत भारी लग रही होगी, मैं भी थी ना, मैं पेंटिंग वाली हूँ, मुझे भी लगी थी यार क्या चीज है, क्या मतलब इसका पीछे का माडला क्या है, और मतलब क्या है क्या है ना। लेकिन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फॉर्मलिज्म, रूपवाद, आइकोनोलॉजी, जो आप अपनी क्या है सिंबल्स का स्टडी करते हैं, आइकोनोलॉजी के बारे में एक क्वेश्चन। अच्छा, मैंने आपसे एक क्वेश्चन अभी पहले पूछा था, चलो ये क्वेश्चन को नोटेड रखना, क्वेश्चन के आंसर नहीं देने वाली हूं मैं अभी, आप लोगों ने ही ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि ये वाला अभी लास्ट क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर आप नहीं दे पाए, कोई भी नहीं दे पाया। एक ने कहा है अति यथार्थवाद, ये भी सही नहीं है जो मुझे दिख रहा है, ठीक, तो नोटेड रखना। आइकोनोलॉजी का भी पूछ रही हूं मैं, आइकोनोलॉजी को किसने किया था, पेरफोनिक्स, उन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया था आइकोनोलॉजी को, आइकोनोलॉजी होता क्या है, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ था, ये थोड़ा सा बता देना मुझे। 3 लेवल बताई थी आइकोनोलॉजी की, क्या 3 लेवल, चलो बता ही दिया मुंह से, 3 लेवल है, 3 लेवल क्या थी याद रखना, ठीक है। सेमियोटिक एनालिसिस, ये सब क्या है, कुछ नहीं है, साइन का स्टडी करना, जो फोटोज हैं उसके पीछे का सिंबॉलिक क्या स्टडी होता है, ये यही चीजें, और कुछ भी नहीं है, ठीक। ध्यान से ज्यादा सिर नहीं दुखाना है ना। साइकोएनालिटिक मेथड इन आर्ट स्टडी, गेसाल्ट छुरी, गेसाल्ट छुरी क्या दी थी, नहीं इसी चीज पे दी थी, ठीक। तो कुछ नहीं है, आप लोगों को अगर ये लगता भी है, एक एक बार इंटरनेट पे डालिए ये वर्ड, और ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपका ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, वो फालतू का टेंशन आप दिमाग से हटा दोगे। तो ये वही चीजें हैं, कॉलोनियल पीरियड से पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा करेंगे अपन, ये करते ही हैं, इसके समय क्या है था वो वाली चीज। फिर म्यूजियम कैसे है, डिफरेंट म्यूजियम पढ़ते ही हो आप लोग, गैलरी, आर्ट हिस्ट्री, ठीक, आगे बढ़ो। अब ये है एंटीक्विटी ऑफ इमेज वर्शिप, यही चीज है, आइकोनोग्राफी जिसको आप बोलते हो, ये आइकोनोमेट्री, ठीक है, आइकोनोमेट्री। अब इसमें क्या है, ये पढ़ते हो, ये आपको, आप बोलोगे अब इसको किस किताब में से पढ़े, नहीं है ना कोई बुक, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, मेरे पास बुक बाद में आई थी, मैंने पढ़ाई इससे इंटरनेट से पहले कर ली थी, आई बात समझ, इंटरनेट अवेलेबल है, इंद्र डालो सब कुछ आ जाएगा। इसमें जानना क्या है, वो उनका क्या नेचर है, कहाँ रहते हैं, किस क्या बोलते हैं उसको, रथ वो होते हैं ना उनका वाहन है ना, व्हीकल, वो क्या होता है, कौन से शस्त्र यूज करते हैं, उनकी फीमेल कंपेनियन कौन है, उनके बच्चे कौन है, बस यही चीजें हैं और कुछ नहीं, सबकी बेसिक डिटेल्स याद कर लो। और भैया भारतीय हैं, देवी देवताओं में रहते हैं, तो ये तो एक बहुत इंटरेस्ट वाली चीज है, आप लोगों को उस चीज में इंटरेस्ट रहना चाहिए और नॉलेज भी होनी चाहिए, तो ये वाली भी एक बहुत स्कोरिंग हो जाता है इसमें, और ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेंगे, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान रखिए, कोई भी हो, अप्लाइड वाले भी हो, तो इसको छोड़ना नहीं है भैया, क्यों, क्योंकि हमारी संस्कृति के बारे में पता चल रहा है, धर्म की ज्ञान भी हो रहा है, और प्लस क्या चीज हो रही है कि स्कोर भी कर पा रहे, ठीक, तो इसको तो मत छोड़ना, ये सब कुछ नहीं है, मेरे से पूछ लेना अलग अलग से भले तुम चाहो तो, कुछ नहीं है, ठीक। तो अब इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आए थे एक आध बार, तो इंद्र की जो कंपेनियन है उनका नाम बता दीजिए मुझे, इंद्र की वाइफ जो बोलते हैं ना, मैं बहुत बायलिंगुअल चलती हूँ, मेरे को एकदम आलंकारिक भाषा भी नहीं आती, मैं सीधे बोल दूंगी, आप समझ जाना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो इंद्र की जो वाइफ होती है उनको क्या बोलते हैं ये बता दो। दूसरा बता दो, जो आया है बहुत बार क्वेश्चन आया है, विष्णु जी का गदा क्या सिंबोलाइज करता है, गदा जो है वो क्या सिंबोलाइज करता है, वो क्वेश्चन आया है, ये बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है इसलिए पूछ रही हूँ, ठीक है। तो बता दो, दो चीज बता दो।
ठीक है, ये बता देना चल रहा है। और प्लीज कोई एक कोई इनिशिएटिव हो तो क्वेश्चन को नोट कर लेना, मैंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, हाँ, सहचारी, सहचारी सही बात है। सहचारी क्या है तो वो इंद्राणी, बिल्कुल इंद्राणी बोल रहे हैं। गदा संगिनी का प्रतीक है, संगिनी, हाँ शची इंद्राणी सही है। ठीक है, गुड, है ना। तो एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है कि गदा क्या प्रतीक करता है विष्णु जी का, तो वो जो है फीमेल कंपेनियन, जिसको आप क्या बोलते हैं, संगिनी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सप्तमातृका है, कार्तिकेय है, रिवर गॉडेस। रिवर गॉडेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कितनी बार आती है, क्योंकि इनका एक कॉन्सेप्ट हम वो देखेंगे, एक प्रतीक जो बोलेंगे, क्या एक विश्वास बोलेंगे, वो विश्वास ये होता है कि वो किसी भी मतलब हिंदू टेम्पल के गेट पे दिखती है, एक ये चीज आ जाती है। दूसरी चीज ये किसी वाहन पे रहती है, तो आप मुझे माता गंगा का वाहन बता दीजिए कि जो गंगा की देवी है वो किसके ऊपर खड़ी विराजमान रहती है। आप लोग काफी मंदिर विजिट किए होंगे, उसमें गंगा देवी की मूर्ति भी होगी, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, तो एक बार आप वो चीज देख के मेरे को बता दो कि वो किस पे रहते हैं। ठीक है, और जितने भी लोग अभी हमारे पास हैं, वैसे तो जितने लोग एनरोल हुए थे उससे आधे लोग अभी लाइव जुड़े पर हैं। ठीक है, लेकिन आप देखिए, आप लोग कोई लाना है अपने दोस्त बंधुओं को कि सब आ जाएं, तो हमें थोड़ा मजा आए। ठीक है, तो आप लोग लाइव लाइक कर दें एक बार क्लास को, और शेयर कीजिए ताकि और जुड़ेंगे तो मजा आएगा। ऐसे ही मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आना, मुझे भी नहीं आता फिर। बिल्कुल, मगरमच्छ आ रहा है, गंगा का वाहन मगरमच्छ है, और जो यमुना देवी है उनका वाहन वो है कछुआ, कूर्म भी बोलते हैं जिसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यानी बुद्धा, मानुषी बुद्धा क्या होते हैं, इसी बार ही अमिताभ जो ध्यानी बुद्धा है उन पे क्वेश्चन आया था। ठीक, अवलोकितेश्वर क्या है, मंजूश्री क्या है, मैत्रेय, मैत्रेय कौन होते हैं ये बता दो। चलो देखो, मैं बहुत आसान वे में चल रही हूँ अभी, जो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लग रहा है कि यार ये तो सबको पता होता है, वही पूछ रही हूँ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आर्ट हिस्ट्री विथ निवी भी, हाँ है ना, यमुना का कूर्म और कछुआ। ठीक है, आगे बढ़ गए अपन। अब मैत्रेय कौन होते हैं बता दीजिए, मैत्रेय बुद्ध किसको कहा जाता है। चलिए, तारा, कुबेर, ये सब चीजें आप लोग पढ़ते ही हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ये अब ये आपकी देखिए बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी, और बहुत इंटरेस्टिंग है, छोड़ना मत इसको, मजे आएंगे आप लोग को पढ़ने में। हम कभी चार जनों के बीच में बैठेंगे, हम आर्ट हिस्टोरियन है तो हम कुछ चीज रख पाएंगे, है ना, तो हमें इन चीज की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, बौद्ध के रूप तो है, पर कौन से रूप हैं, कौन से रूप हैं बौद्ध के। अनीता जी बोल रही हैं बौद्ध की जातक कथाओं से संबंधित बौद्ध के रूप हैं, लेकिन बौद्ध के कौन से रूप हैं वो मैं पूछ रही हूँ आपसे। ठीक है, मैत्रेय, ठीक है, बता देना जो। और प्लीज मैं किसी बार बार बोल रही हूँ, कोई एक एक्टिव इनिशिएटिव, बहुत सारे एक्टिव लोग दिख रहे हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगी, जो डेली टेलीग्राम पे भी एक्टिव रहते हैं, आप लोग प्लीज नोट कर लेना और मुझसे आंसर जरूर पूछना, मैं भूल जाऊंगी नहीं तो, है ना। तो यस, खुद फाइंड आउट कर लोगे वैसे तो, और अगर नहीं तो मुझसे पूछ जरूर लेना, फिर बोलोगे कि आपने बताया नहीं, तो वो मेरे को मत बोलना, मैं भूल जाती हूँ, बहुत भूला पड़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी तो खत्म हो गई, मैत्रेय भी पूछ लेना क्या होता है आगे। अब जैन आइकोनोग्राफी, हमको जो है सारे रिलीजन का आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले, हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री में क्या है, स्कल्पचर है, मंदिर है, यही पढ़ेंगे, तो जब तक हमें इनकी नॉलेज नहीं होगी हम आगे कैसे पढ़ेंगे, तो इसलिए ये चीजें थोड़ी सी ऐड होना जरूरी है। ठीक है, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर, ये चार जो तीर्थंकर हैं मेन होते हैं, इन्हीं को पढ़ लेना चाहिए। इनका भी क्या पढ़ोगे आप लोग, क्या पढ़ोगे कि कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं, उससे ज्यादा क्या आंसर बनता है यार, कौन से कलर हैं, ये पढ़ाई नहीं जाता, यही पढ़ाया नहीं जाता अपने से। ये चीजें तो अपन पढ़ सकते हैं ना, कौन सा कलर है, कौन सा वाहन है, बस यही पढ़ना है। चलो बता दो मुझे, पार्श्वनाथ का वाहन कौन सा, अभी आया भी था, पार्श्वनाथ का वाहन कौन सा है वो बता दीजिए, पार्श्वनाथ का वाहन बता दीजिए, पार्श्वनाथ का वाहन बता दीजिए, महावीर का भी वाहन बता दीजिए, वाहन मतलब एनिमल, सॉरी, जो एनिमल उनका प्रतीक होता है ना वो बता दीजिए, मैं गलत बोल रही, हाँ ठीक है। शुभम जी बोल रहे हैं सर्प, स्नेक, अरिंद, मैथाली, ठीक है, सांप, गुड, और हाँ इनका लायन, ठीक है। तो पार्श्वनाथ का जो है सर्प होता है, स्नेक बोलते हैं जिसको, एंड महावीर का सिंह होता है, लायन बोलते हैं जिसको। चलो आगे बढ़ो, मैं तो यहीं पर अटकती रह जाऊंगी, क्वेश्चन बार बार पूछ के मैं क्लास आधी रह जाएगी। आज मुझे ये सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, आज सिलेबस कंप्लीट करना है, बड़े थोड़ा सा बढ़ा जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं, आर्ट हिस्ट्री में आगे बढ़े। यहां से आपका आर्ट पीरियड चालू हो गया, मौर्य पीरियड सबको पता है, शुंग, सातवाहन। अब मेरे को एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ो, ये सब चीजें लिखी हुई है वहां पे आपके, है ना, मैंने मन से नहीं बनाई, ये सब लिखी हुई है। शुंग, सातवाहन, कुषाण, कंप्लीट टाइमलाइन है, इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जिसको नहीं समझ आ रहा है वो पहले इंडियन आर्ट की टाइमलाइन देख लो, वो अपनी इससे ज्यादा बेटर है, आपको मतलब समझ आएगा, वो ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ आएगा उसमें, ठीक। तो ये सब, ये क्या होता है, कहाँ एरिया का है, ये सब समझ आ जाएगा जिसको नहीं आ रहा है, इसको आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली सारी आपको सारे पीरियड्स पढ़ना है, या कोई भी आर्ट हिस्ट्री बुक्स में पता मिल जाएगा, है ना। हम अपन भी पढ़ेंगे, अरे टेंशन मत लो, अपन अब आर्ट हिस्ट्री इंडिया की चालू कर रहे हैं तो ये पढ़ेंगे। आगे देखो क्या लिखा है, यहाँ से चालू हो गया मौर्य, और ये सिंधु घाटी, ये सिंधु घाटी से चालू हो गया। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है, अर्ली इंडियन आर्किटेक्चर, एंशियंट लिटरेचर, शिल्प टेक्स्ट, सिंधु घाटी की, मौर्य की, डेवलपमेंट ऑफ बरहूत की, सांची। अब मेरे को एक बात बताओ, जब ऊपर यहाँ पे शुंग पीरियड लिखा है, तो क्या हम शुंग पीरियड के अंदर बरहूत सांची नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? आई बात समझ? मतलब प्रॉब्लम यही है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ये अजंता लिखा है, तो अब यार गुप्त वाकाटक में अजंता नहीं पढ़ोगे तो काहे में पढ़ोगे? तो ओवरऑल जब ऊपर जो आर्ट पीरियड लिखा है हम उसी में ही तो पढ़ेंगे, उसमें हम यही तो पढ़ेंगे, लेकिन उसको ही आगे करके फालतू का फैला रखा है। ये देखो, अब मेरे को ये बताओ, यहाँ लिखा हुआ है, चलो एक क्वेश्चन ही पूछ लेते, राष्ट्रकूट में कौन सी चीज आएगी, मतलब राष्ट्रकूट में किस चीज का निर्माण हुआ है, कौन से मुख्य को पढ़ोगे, इन्हीं में से बता दो राष्ट्रकूट पीरियड में। कौन से दो आर्किटेक्चर को या स्कल्पचर को, जो आर्ट पीरियड को, एक स्थान को पढ़ोगे राष्ट्रकूट पीरियड में, वो बता दो नीचे जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दो, है ना। कोई दो है ना, यहाँ इनमें से कोई से दो है अभी, ठीक। ममल्लपुरम, अब पल्लव में ही तो पढ़ोगे, ठीक है। तो ये वाली चीज वही है कि पीछे ऊपर ही था और उसी को आपको नीचे दे दिया है, ठीक है। एलोरा सब बोल रहे हैं, एलिफेंटा को सब भूल जाते हैं। छोटा सा है तो क्या हुआ, छोटा सा है तो क्या हुआ है, वो भी राष्ट्रकूट एम्पायर द्वारा ही बना हुआ, राष्ट्रकूट आर्ट पीरियड में ही आप वो पढ़ेंगे, है ना। छोटा है, ज्यादा नहीं पढ़ना है तो क्या हुआ, एलोरा को याद रखते हो, गलत बात है यार। ई से दोनों याद रखा करो, एलोरा एलिफेंटा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब नागर स्टाइल, द्रविड स्टाइल, गुप्त टेम्पल्स। अब बताओ गुप्त पीरियड में गुप्त टेम्पल्स तो पढ़ोगे ना, है ना। तो यही बात नहीं है कि चीजें वही है जो रिपीट हो रही है। अब आगे जरूर परशुरामेश्वर, तो ये क्या है सब, ये ओडिशा के टेम्पल है, गंगा एम्पायर में पढ़ोगे, ऊपर गंगा लिखा है, यहाँ पे परशुरामेश्वर लिख दिया, तो बात रिपीट हो रही है। आ रही बात समझ में, वही चीजें हैं, देखो लिंगनाज है, कोणार्क है, ओडिशा के टेम्पल्स है, ठीक। अब आगे ये देखो, एक और काम, चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसला टेम्पल आर्किटेक्चर विरूपक्ष, चालुक्य, राष्ट्रकूट, होयसला, कैलाशनाथ, मतलब ये राष्ट्रकूट का है ना, इन ये एक कैटेगरी है और इसकी सब कैटेगरी ये है, ठीक। आगे बढ़ो, ठीक। तो अब मेरे को ये बताओ, राष्ट्रकूट में क्या पढ़ोगे, राष्ट्रकूट में क्या है, या तो एलोरा है या तो एलिफेंटा है, तो ये दोनों तो पढ़ोगे। उसके बाद एलोरा में क्या पढ़ोगे, ले देके यही पढ़ोगे, उसका लोकेशन क्या है, उसकी सारी जो गुफाएं हैं, कितने प्रकार की गुफाएं हैं, क्या क्या नाम है, ये पढ़ोगे। और उसके बाद क्या है, सीधे 16वीं नंबर गुफा पे जाओगे और कैलाशनाथ का आर्किटेक्चर और ये सब पढ़ोगे, पढ़ोगे ही ना। उसके बिना एलोरा पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, सारे वो मूर्ति उड़ती ये सब सब कहाँ, वहीं पे जाएगा। तो बात वही है कि पढ़ना वही है, लेकिन उसको एलोबरेट कर रखा है। आगे बात समझ, ये देखो होयसलेश्वर है, पल्लव मोनोलिथिक, तो ये सब चीजें जो इम्पोर्टेंट बेसिस भी है, थोड़ा सा देख लो, है ना, कि ये सब चीजें हमको ज्यादा पढ़नी रहती है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ये आपको जो पहले भी टाइमलाइन में बताया था, अब ये है इम्पीरियल टाइम पीरियड, जिसको आप इंडो इस्लामिक भी कहते हैं। उसमें जो जो आपको मेन चीजें पढ़नी है, हुमायूं टॉम, फतेहपुर सीकरी का, सिकंदरा, ये तो ये आप जब मुगल पढ़ोगे, अकबर को पढ़ोगे, तो ये भी पढ़ लोगे साथ में, कोई इशू है। ताजमहल, रेड फोर्ट पढ़ोगे, शाहजहां पढ़ोगे, तो ये भी पढ़ लोगे, ठीक है। कोई बोल रहे हैं कि स्क्रीन ब्लर आ रही है, सो प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए, स्क्रीन ब्लर है क्या? आई थिंक आपका, आपको अपना वो क्या बोलते हैं, क्वालिटी इंप्रूव करना पड़ेगा समथिंग, क्योंकि मेरी तरफ से नेटवर्क भी ओके है एंड सब ओके है।
आधे लोग बोल रहे हैं ब्लर है और आधे लोग, अब क्या बोलूं मैं। ठीक है, फिर मेरे ब्रदर से नेटवर्क ओके है। आप लोग प्लीज, है तो आप लोग अपना वो करिए जो करते हो हर बार यार, अपना वीडियो का क्वालिटी इंप्रूव करो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरे तो नेटवर्क बढ़िया है यार, आप लोगों के लिए जियो फाई खरीद लिया मैंने, अब कहाँ से दिक्कत होगी। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, टाइम नहीं है। चलो आगे देखो, हो गया। अब ये वापस वही कथा आ गई, बाघ, बादामी, एलोरा, सीतन वसल, लिपाक्षी म्यूरल, पेंटिंग्स के सिद्धांत में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। पेंटिंग, चौर पंचाशी का प्री मुगल स्कूल्स। ठीक है, आगे बढ़ो। पेंटिंग्स, अब ये तो पता है क्या पढ़ेंगे अपन, राजस्थानी पेंटिंग्स पढ़नी है, पहाड़ी पढ़नी है, मुगल पढ़नी है, सबको पढ़ना है तो यार, है ना। और बिल्कुल ये तो जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ो। यार मेरे को बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो यार, क्लियर नॉट क्लियर से क्या करूं मैं, लोड भी करती हूँ तो वो भी बहुत दिक्कत हो जाती है। लाइफ की बात अलग होती है, साथ साथ काम हो जाता है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। डेकन पेंटिंग, जिसको आप कहते हैं दक्षिणी चित्रकार, तो उसमें भी ये जो इनका मेन सेंटर है अहमदाबाद, बीजापुर, गोलकंडा, हैदराबाद भी ऐड कर लेना। ठीक है, अब मॉडर्निटी में इतना हो गया, प्री हिस्टोरिक से यहां तक आ गए, कोई दिक्कत है। अब ये देखो, ये तो पढ़ना ही है, ये तो आपको होमवर्क है और आपका डेली वर्क है। देखते हैं कौन कितना करता है, जो जितना करेगा वो उतना आगे जाएगा, ध्यान रखना, ये यही खेल है। ठीक है, तो ये अपना सेपरेट बना लो। और ये वो आर्टिस्ट हैं जो हर हर आर्टिस्ट कॉपी के आगे आगे पे दिखने चाहिए, है ना, इनका बेसिक सब कुछ होना चाहिए। चलो आगे बढ़े। आर्ट ग्रुप्स, आर्ट ग्रुप्स अपन कॉलोनियल पीरियड में आ गए, आगे बढ़ गए, आर्ट ग्रुप्स बन गया। तो बताओ दिल्ली शिल्प चक्र का फॉर्मेशन ईयर बता दो, किस साल दिल्ली शिल्प चक्र बना था। ठीक है, एक ये बता दो, दिल्ली शिल्प चक्र का फॉर्मेशन ईयर बता दो, और दूसरा ये बता दो कि कैलकटा ग्रुप की स्थापना किसने की थी। दो क्वेश्चन बता देना, ठीक है, देख लूंगी मैं, आगे बढ़ रही हूं मैं, क्योंकि दो चीज बता दो फिर आगे जाते। फिर 20वीं 21वीं शताब्दी, ये भारत की चीज चल रही है थोड़ी सी, देख लिया आपने। हाँ, फिर उसमें इंस्टॉलेशन जो ऊपर देख लिया, ऊपर देखा इंस्टॉलेशन, परफॉर्मेंस आर्ट देखा था ना, वही तो आ गया यहाँ नीचे भी, लेकिन वो पेंटिंग में आ गया, तो बात वही है, वो अपन बेसिक्स में देखे थे, ये पेंटिंग में, पर पढ़ेंगे तो एक ही चीज ना, कोई नया तो आ नहीं जाएगा, तो वही बात है। इंस्टॉलेशन इंट्रोड्यूस हुआ, परफॉर्मिंग आर्ट हुआ, डिजिटल वीडियो आर्ट हुआ, ये वाली चीज। अब आ जाते हैं वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री पे। ठीक है, वहां पे भी क्या है, अब ये भी टाइमलाइन में समझाऊंगी नहीं, जिसको पूरी कथा देखनी है आप टाइमलाइन का वीडियो है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप उसको देख सकते हैं, मुझसे ना बोलिएगा, है ना। जितने लोग लाइव हैं एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, दिल्ली शिल्प चक्र 1949 में फॉर्मेशन हुआ था इसका, भावेश चंद्र सान्याल द्वारा। और कोलकाता ग्रुप का भी मैंने पूछा है, तो उसका भी आंसर दिख रहा है मुझे, प्रदोष दास गुप्ता द्वारा, जो सब दे रहे हैं एग्जैक्टली सही है। चलो फिर आते हैं प्री हिस्टोरिक आर्ट। ये देखो पूरा ये टाइमलाइन है, ये तो सबको रटी होनी चाहिए, 10 बार पढ़ा दी, और इसके टाइमलाइन में भी हम यहाँ तक आ चुके हैं, ये ऊपर के सब आपके निपट गए। ठीक है, इसके लिए मुझे कुछ मत बोलना, और ये भी अब मैं निपटा दूंगी जल्दी। चलो ठीक है, मिनिमलिज्म, फ्लक्सस मूवमेंट, आर्ट पोवेरा, बॉडी आर्ट, सब जो है सब यही है। ठीक, सब आर्ट मूवमेंट जो है वो यही चीज है, मतलब जो अभी आजकल का है वो चल रहा है। ठीक, 1 मिनट, आगे देखते हैं। लैंड आर्ट क्या है, एनवायरमेंट आर्ट क्या है, प्रोसेस आर्ट, परफॉर्मेंस आर्ट, इंस्टॉलेशन, सिर्फ नॉलेज चाहिए इनकी, हैपनिंग्स क्या, ये सब है, बुक्स में भी है और हम पढ़ते हैं इसको। ठीक, पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा भी शुरुआत नहीं कर सकती, बस इतना सोचिए। आगे देखो विजुअल एक्सप्रेशन, अब एंशियंट मेसोपोटामिया पढ़ोगे तो ये सब तो पढ़ोगे ही, सी पढ़ा भी दिया है आपको, ये सब उन्हीं के राजवंश है और कुछ नहीं है, कब क्या क्या हुआ था। ठीक है, 1949 दिल्ली शिल्प चक्र एग्जाम करेक्ट बोल रहे हैं आप लोग, और कोलकाता ग्रुप प्रदोष दास गुप्ता भी करेक्ट बोल रहे हैं। ठीक, अब आगे बढ़ जाओ, ये आ गए आपके वही चाइना ईस्ट, जो ऊपर बात की थी ना, ऊपर चार उसमें लिखा था और इसमें जो है उसी को बढ़ा दिया। ठीक, तो ये जो चाइना आर्ट है,
उसी की चीज है। आगे दिख रहा है तंग डायनेस्टी। तो मेरे हिसाब से पढ़ना है, फिर ये थोड़ा सा चीटिंग करवा रही हूँ, छोड़ दो इनको, मत पढ़ो। हमने भी बहुत, हमको भी दो चार ही नॉलेज है, डायनेस्टियां क्या थी छह यही पता है, ठीक है, थोड़ा सा ये चाइनीज लैंडस्केप का ट्रेडिशन पता है, ये आ जाएगा लहदे के क्वेश्चन के, हनीवा पोल्ट्री कहाँ की होती है, तो जापान की होती है, ये नॉलेज होना चाहिए, तो इसी में समझ आ रहा है। ठीक, तो आप स्क्रॉल पेंटिंग्स क्या होती है, थंगका पेंटिंग्स कहाँ पे होती है, टिबेटियन है ना, ये सीधी बात। देखो कोई नहीं कहेगा, कोई कहेगा कि अरे हम नहीं, नहीं पढ़ना तो पड़ेगा, हर टीचर ये ऐसी बातें करता है, पर मैं आपकी दोस्त हूँ और मैं आपको सही सलाह दूंगी कि यहाँ पे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको लीव कीजिए। जो लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि मैं इतनी डिटेल क्यों पढ़ाती हूँ, मैं वही पढ़ाऊँ जो एग्जाम में आते हैं, तो वो चीज है, मैं डिटेल में वो टॉपिक पढ़ाती हूँ जो एक्चुअली जरूरत है। ठीक है, सो मैनी, मैंने सुना है बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि वाई डिटेल में, तो वो डिटेल में तो जरूरी है, नेट की एग्जाम दे रहे हो, लेकिन मैं वो चीजें अवॉइड भी करवाऊंगी जो चीजों का कोई मतलब नहीं है अभी पढ़ने का। हालत खराब हो गई है। फिर यूकियोई पता है आपको, यूकियोई का आर्टिस्ट पढ़ लेंगे अपन आगे, है ना, और यूकियोई वुड ब्लॉक प्रिंट होती है, कहाँ की मेथड होती है, इतनी चीजें पता होनी चाहिए, बस छोड़ दो बाकी। श्रीलंका में सिगिरिया म्यूरल्स पेंटिंग में पढ़ ही लेते हो, है ना, ये कंबोडिया के बारे में ये थोड़ा बहुत जो है पढ़ लेते हो, बाकी आप चाहो तो छोड़ सकते हो। ठीक है, सिर्फ नॉलेज वही रखना जो पुराने पेपर्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो भैया ऐसी चीजें कोई नहीं बोलेगा, पर मैं बोल रही हूँ। अब आ जाओ, ये इनको नहीं छोड़ना है, इसको तो घोट के पीना है। ठीक है, इसको तो घोट के पीना है। आर्ट हिस्ट्री है, फोक और ट्राइबल आर्ट, जो कि ऊपर भी बात की थी, ऊपर उसका शॉर्ट्स था, ये बड़ा फर्ड चित्रकला कहाँ की है बता दो मुझे जल्दी, उसमें लिख देना। हाँ यार, तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, कल तक आवाज भी नहीं निकल रही थी, आज आप लोगों के लिए ही आवाज निकली है। ना, फिर आते हैं अपन पटचित्रकला, बंगाल और उड़ीसा की होती है, कुछ नहीं करना, सिर्फ राजस्थान की है, पर राजस्थान में कहाँ की है वो बताओ, राजस्थान में कहाँ की है, राजस्थान की है सही बात है, लेकिन हम डिटेल में पढ़ते हैं, है ना, राजस्थान की कहाँ पे है ये बता दो। ठीक, उसके बाद बंगाल क्या पढ़ना है इसमें भी, ये कौन से लोकेशन का है, इसके पीछे का थोड़ा सा सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब वो लोग जैसे कि कालीघाट की पटचित्र के बारे में बात करें, तो वो कैसे काली देवी से रिलेटेड रहता है, इन चीजों को थोड़ा सा देखना है। ठीक, फिर आते हैं हम मधुबनी, मिथिला, बिहार की, वर्ली, पिथौरा, कौन सी कहाँ की और क्या होता है, ये वाली चीजें आपको थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। यार मेरे को लग रहा है कि आज क्लास ये हो नहीं पाएगा पूरा, क्योंकि अब आर्ट हिस्ट्री पे ही पहुंचे, ड्राइंग एंड पेंटिंग वाली चीज पे कल आएंगे, पर अब खासी चलने लग जाएगी ऐसा लग रहा है। चलो इसको कंप्लीट करती हूँ। डोकरा कास्टिंग है ना, वो जो ब्रॉन्ज की होती है, वोटिव होर्सेस जो घोड़े समझते हो आप लोग वहां के होते हैं ना, कर्नाटक और उधर के, ये नीचे दिखाई हुआ है, वुड कार्विंग, वुडन डॉल्स, ये सब लेदर पपेट्स जिसको आप कठपुतली बोलते हो, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में लेदर पपेट्स बनते हैं, वो चीजें वहां की होती है। तो कुछ नहीं है, इसको सर्च करो और थोड़ी सी दो चार पॉइंट से ज्यादा और कुछ निकलेगा ही नहीं इसका, तो आंसर क्या देगा व्यक्ति, मतलब और क्या क्वेश्चन पूछेगा पूछने वाला, अगर उसके सामने मेरे सामने भी ये टॉपिक रख दो तो मैं उससे क्या पूछूंगी ज्यादा से ज्यादा। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको छोड़ना नहीं है भाई अपने को, टाई एंड डाई है। टाई एंड डाई क्या होती है, अभी आ गया था उसमें ही आया था, किसमें आया है, ये नवोदय में आया है, क्या आया है कि भाई वॉश क्या, वाटर कलर, वाटर कलर की टेक्निक कुछ पूछी थी, उसमें वॉश था, टिंट था और टाई एंड डाई था। अरे टाई एंड डाई पता होना चाहिए, कपड़ों पे करने का वो है, तो वॉश वाटर कलर से कैसे होगा वो। ठीक, तो टाई एंड कुछ नहीं है चीजें, वही ये बंदेज बांधनी जो आप करते हैं, नो बटिक इज डिफरेंट एंड टाई एंड डाई इज डिफरेंट, बटिक इज डिफरेंट एंड टाई एंड डाई इज डिफरेंट। ठीक है, टाई एंड डाई मतलब उसको आप, वो एक बहुत ऐसा वो होती है जिसको आप बांधनी बोलते हो हिंदी में, है ना, और बातिक वो जिसमें वैक्स यूज होता है और पेंटिंग होती है, बातिक पेंटिंग की भी है हमने, हमारे यहाँ ही होती है इधर उज्जैन में, तो
ठीक है, तो टाई एंड डाई फैब्रिक्स का साफ लिखा हुआ है, फैब्रिक पे होता है, तो वाटर कलर कैसे होगा? एम्ब्रॉयडरी है, कांथा, कांथा टेक्सटाइल्स, कांथा एम्ब्रॉयडरी कहाँ की है लिख देना नीचे। एक मिनट ग्रुप में चल रहा है, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा की फड़ नाथ द्वारा की फड़ नहीं है, ठीक है, पिछवाई है, और फड़ भीलवाड़ा राजस्थान की है। मैंने देखा ही नहीं, और क्या आपने लिख दिया, क्या लिखा है? टाई कपड़ों पे डिजाइन के लिए यूज होता है, कपड़ों पे डिजाइन के लिए तो यूज होता है, डिजाइन नहीं प्रिंटिंग का ही है, मतलब फैब्रिक प्रिंट का ही है, बट फैब्रिक प्रिंट का ही है, बट ये क्या करते हैं बता ही देती हूँ, किसी चीज को बांध के उसको ऐसे बांध देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको एक होल चाहिए, गोला चाहिए, तो उसको मोती को उसमें बांध दे के और फिर प्रिंट करते, तो वो बांधी वाली जो चीज रहती है ना वो व्हाइट रह जाती है और बाकी चीज में दूसरा कलर हो जाता है, ऐसी बांधनी क्रिएट होती है, बंदेज बोलते हो जिसको आप, बंदेज, आप बांधनी करिए और उसको देखना उसका पैटर्न, उससे समझ जाओगे। ठीक, चंबा रूला, फुलकारी कहाँ की है? ये कांथा टेक्सटाइल बंगाल की है, बिल्कुल सही, फुलकारी कहाँ की है बता दो मुझे, फुलकारी तो बता दो यार, है एकदम दिल दिल जुड़ा हुआ है वहां से। तो चंबा रूमाल, मेटल वेयर, रिपोशी टेक्निक, एनिमलिंग, ये सारी चीजें जो है आर्ट हिस्ट्री पे आती है। ठीक, तो मैं सोच रही हूँ भैया आवाज नहीं निकल रही है, कोई मतलब नहीं है, फुलकारी पंजाब दी है, बिल्कुल सही, पंजाब की एम्ब्रॉयडरी डिजाइन है फुलकारी। तो अब अपन ना ये थोड़ा सा ही बचा है, ड्रॉइंग एंड पेंटिंग अप्लाइड और स्कल्पचर सेक्शन है ना, देखो देखते देखते इतना टाइम हो गया पता नहीं पड़ा, तो अपन ना कल फिर यही ले लेते हैं, और पे हिस्टोरिक वाली चीज थर्सडे से चालू करेंगे। आर्ट जो अपनी लाइव क्लास है उसको मैंने आपको पहले भी बताया था, 8:30 पे होएगी, और डेज नोट कर लो, बोलना हो मैं इसी दिन थोड़ा सा क्या ज्यादा फ्री रहती हूँ, मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे, ये 3 दिन क्लास रहेगी, ठीक है। और जिसको नोटिफिकेशन चाहिए आप टेलीग्राम पे जुड़े रहो, जो भी मैसेज होगा मैं वहीं डालूंगी, और बाकी सब जगह इतना नहीं डाल सकती हूँ, साफ बात है ना, एक ही जगह व्यक्ति डाल सकता है, तो आप वहां जुड़ो, और बाकी जो है इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसमें आपको सिर्फ अपडेट मिलेगा कि कब क्लास है और कैसा है, ठीक है। तो एक बार लीव करने से पहले सेशन को लाइक कर देना, उसको शेयर कर देना, ये सिर्फ कोई एक नहीं से आपकी चीज को इजी करने के लिए किया है, ठीक है।